पटना में हो रही विपक्ष की बैठक पर बोले हैं अमित शाह। उनका कहना है कि आज पटना में एक फोटो शासन चल रहा, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हम बीजेपी और मोदी को चुनौती देंगे। विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते। और आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। पटना में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। पटना में सदाकत आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम एकजुट हैं, कर्नाटक में एकजुट होकर चुनाव लड़े तो वहां बीजेपी हार गई, इसी तरह हम तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक से पहले राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम में पार्टी की रैली को संबोधित किया और कहा कि एकजुट होकर बीजेपी को हम हराएंगे। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। वहीं पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि ठग बंधन बन रहा है, ठग बंधन की बैठक है, कम्युनिस्टों को ममता बनर्जी पसंद नहीं है, ममता बनर्जी को कांग्रेस पसंद नहीं है, कांग्रेस को केजरीवाल पसंद नहीं है, केजरीवाल को समाजवादी पसंद नहीं है, समाजवादी पार्टी को उद्धव ठाकरे पसंद नहीं है, जनता इन सभी को अपनी पसंद बता चुकी है, बीजेपी पसंद है, मोदी पसंद है। ये ठगबंधन की बैठक है और आप देखिए दूसरे पहलू से, कम्युनिस्टों को आदरणीय ममता जी पसंद नहीं है, आदरणीय ममता जी को कांग्रेस पसंद नहीं है, कांग्रेस को केजरीवाल पसंद नहीं है, केजरीवाल को समाजवादी पार्टी पसंद नहीं है। भोपाल से बड़ी खबर, कटनी जिले में बीजेपी को लगे एक साथ दो झटके, कांग्रेस में शामिल हुए हैं दो बीजेपी नेता। कांग्रेस में शामिल हुए हैं पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह शंकर में तो भी कांग्रेस में शामिल हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष और दिग्विजय सिंह ने दिलाई है इनको कांग्रेस की सदस्यता। तो कटनी जिले में बीजेपी को एक साथ दो झटके लगे।